भारत का कोई भी आम युवा महंगी पढ़ाई पर खर्च क्यों करता है? क्यों वो पढ़ाई खत्म होने के बाद अलग अलग कोर्स करता है, नई स्किल सीखता है? इसका सीधा जवाब है एक अदद बेहतर नौकरी। नौकरी की शुरुआत में एक शानदार प्रोफाइल और मोटा पैकेज आपका भविष्य तय कर सकता है। इसलिए हर युवा ऐसे सेक्टर में कदम रखना चाहता है जहां उसे शुरुआत में ही मोटा पैकेज तो मिले ही, साथ ही हर साल हैंडसम इंक्रीमेंट भी मिले। बीते दो दशकों की बात करें तो हर युवा के ये सभी सपने आईटी की जॉब में पूरे होते रहे हैं। सरकारी हो या प्राइवेट, आईटी कंपनियां भर भर कर कैंपस प्लेसमेंट किया करती थीं। जो कैंपस प्लेसमेंट से चूके तो उनके लिए वॉक इन के दरवाजे भी खुले रहते थे। लेकिन बीते दो सालों में आईटी की चमक तेजी से होती जा रही है। आईटी सेक्टर में जॉब ही नहीं घटी है, बल्कि अब आईटी में फ्रेशर्स की सैलरी ग्रोथ भी घटी है। स्टाफिंग फर्म टीम लीज की ताजे रिपोर्ट के अनुसार बीते चार साल में आईटी कंपनियां फ्रेशर्स को सैलरी देने के मामले में काफी पिछड़ गई हैं, जबकि रिटेल और टूरिज्म सेक्टर में अब ज्यादा मोटे पैकेज पर फ्रेशर्स की भर्ती हो रही है। टीम लीज की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा 77% की सैलरी ग्रोथ रिटेल और ई कॉमर्स में देखने को मिली है। 2020 में जहां एक फ्रेशर को यहां 1.58 लाख रुपए की सैलरी मिलती थी, वहीं अब यहां स्टार्टिंग सैलरी 2.8 लाख रुपए है। इसके बाद टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें तो यहां भी सैलरी हाइक 71% से ज्यादा है। यहां भी 2020 में मिलने वाली 1.4 लाख की शुरुआती सैलरी अब 2024 में बढ़कर 2.4 लाख रुपए हो गई है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी फ्रेशर्स की सैलरी 57%, ऑटोमोटिव सेक्टर में सैलरी हाइक 37% का है। अब आईटी सेक्टर की बात करें तो यहां भले ही अन्य सेक्टर से ज्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन 2020 के बाद से सैलरी सिर्फ 30% बढ़ी है। आईटी सेक्टर में सैलरी 3 लाख रुपए से बढ़कर 3.9 लाख पहुंची है। आईटी सेक्टर की खराब स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां 2021 में सैलरी बढ़ने के बाद 2022 में तेजी से गिर गई थी। आईटी जैसी स्थिति एविएशन और हेल्थ केयर सेक्टर की है, यहां भी सैलरी हाइक मात्र 30% ही रही है। भारत के अग्रणी टैलेंट प्लेटफॉर्म फाउंडिट ने एक ताजा सर्वे के अनुसार इस साल रिटेल और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में युवाओं को बेहतर मौके मिले हैं। यहां प्रोफेशनल्स को शानदार इंक्रीमेंट भी मिला है। देश में तेजी से बढ़ रहे रिटेल सेक्टर में इस बार 15% का इंक्रीमेंट मिला है। वहीं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में 14% का मोटा एनुअल इंक्रीमेंट हुआ है। हालांकि अभी भी आईटी सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज सैलरी पैकेज के मामले में सबसे आगे हैं। सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जहां रिटेल इंडस्ट्री में फ्रेशर्स को औसतन 3.3 लाख से लेकर 5.2 लाख रुपए तक औसत वेतन की पेशकश की जाती है, आईटी सॉफ्टवेयर में फ्रेशर्स का वेतन सबसे ज्यादा 4.1 लाख रुपए से बढ़कर 7.5 लाख के बीच है। ये तो हुई फ्रेशर्स की बात। अब जानते हैं कि लंबे समय में किस सेक्टर में जॉब करना फायदेमंद रहा है। इन सर्वे के आंकड़ों पर गौर करें तो विज्ञापन, मार्केट रिसर्च और पीआर उद्योग में 7 साल से ज्यादा के वर्क एक्सपीरियंस वाले पेशेवरों को पिछले साल वेतन में 15% का इंक्रीमेंट मिला है। ये दर्शाता है कि बेहतर प्रतिभाओं के लिए इन सेक्टर में अच्छी संभावना है। सैलरी पैकेज की बात करें तो विज्ञापन, मार्केट रिसर्च और पीआर क्षेत्र में 11 साल के अनुभवी पेशेवरों का वेतन 11 लाख रुपए से लेकर 33 लाख रुपए पर ईयर तक है। एफएमसीजी सेक्टर में 11 साल के अनुभवी पेशेवरों की औसत इनकम 16 से 29 लाख रुपए के बीच है। वहीं आईटी सेगमेंट में इतने ही अनुभवी लोगों को 22 से 35 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। ये तो हुई नौकरियों की बात। अब जानते हैं कि देश के कौन से शहर हैं जहां नौकरियों के सबसे ज्यादा मौके हैं। तो यहाँ दक्षिण भारत का शहर कोयम्बटूर भारत के टीयर 2 शहरों में जॉब ग्रोथ में सबसे आगे है। यहाँ नौकरियों के मौकों में 24% की वृद्धि हुई है। इसके बाद जयपुर का नंबर आता है, यहाँ नौकरियों के मौके 23% बढ़े हैं। वहीं दूसरे शहरों की बात करें तो दिल्ली NCR में नौकरियों के मौके 18%, तो चेन्नई में 14% बढ़े हैं। इसके अलावा पुणे में भी नौकरियों के मौके में 12% का उछाल आया है। लेकिन मुंबई में नौकरियों के मौके घटे हैं, यहां इसमें -4% की गिरावट आई है। इसके अलावा चंडीगढ़ में 4% और बड़ौदा में 4% की गिरावट आई है।